नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर और पॉइंट ऑफ व्यू की लाइव अपडेट्स में आपका स्वागत है। और इस समय बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही कश्मीर पहुंचने वाली है और इसके पहले की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंचे तो उसके पहले ही जो लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और वो गुलाम नबी आजाद की पार्टी में शामिल हो गए थे, आज वही लोग वापस कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। क्या इसे भारत जोड़ो यात्रा का असर माना जाए? और फिर गुलाम नबी आजाद क्या आज अकेले पड़ गए हैं? आज इन सारे सवालों के हम जवाब ढूंढेंगे। इस समय हमारे साथ डेली तस्कीन के एडिटर इन चीफ सुहेल काजमी साहब हैं। सुहेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइब नेटवर्क पर। और जो मेरा पहला सवाल है सर, वो यही है कि क्या वाकई में ये खबरें जो आ रही हैं कि बहुत सारे कांग्रेस के लोग जो कि आजाद साहब की पार्टी में शामिल हो गए थे, क्या वो अब वापस कांग्रेस जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो ऐसे में कितने लोग हैं जो आजाद साहब की पार्टी को छोड़कर और वापस कांग्रेस में जा रहे हैं? नीलू मैम, ये चार पांच लोग थे जो पूर्व मंत्री थे। एक पीरजादा मोहम्मद सैयद जो कुकरनाग से इलेक्शन जीता करते थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट भी वो रहे हैं डिफरेंट टाइम्स पे, जम्मू कश्मीर के पीसीसी चीफ थे। इसके अलावा तारा चंद जी हैं जो सीनियर लीडर हैं और डिप्टी सीएम रहे आजाद साहब के, मुफ्ती साहब के टाइम पे। इसके अलावा जो और लोग हैं वो एक मनोहर लाल जी हैं, वो पूर्व मंत्री रहे हैं, बलवान सिंह हैं, और ये तीन चार लोग हैं। इनमें से तीन चार लोग जो है आज कांग्रेस में वापस चले गए, तारा चंद, पीरजादा और बलवान सिंह। तो कुल मिला के ये लोग जो हैं, ये दोनों तरफ, पहले तो इनको निकाला क्यों? निकाला इसलिए, पहले तो ये आजाद साहब के लॉयलिस्ट थे, आजाद साहब के की वजह से ही ये मंत्रिमंडल में पहले भी बने हैं, और इस बार जब उन्होंने पार्टी बनाई तो ये बिल्कुल सिंपैथेटिकली अपने पॉपुलर लीडर के साथ जुड़ गए। जो ये बोल रहे थे उसका, हमारा पॉपुलर लीडर है, इन्होंने कांग्रेस में जान डाली 50 साल, इनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है। और बाद में ये पता चला कि ये दोनों तरफ इंक्लाइंड थे, कांग्रेस के हाईकमान से भी मिलते रहते थे और आजाद साहब से भी मिलते रहते थे। यही न्यूज़ जब आजाद साहब के पास पहुंची, ये कभी भी पैसे भी छोड़ सकते थे, तो उन्होंने पहले ही एक्सपेल कर दिया इनको कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे थे, इनको डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से एक्सपेल कर दिए तीन चार को। और मरता क्या ना करता, अब सियासतदान पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो क्या करेगा, उसको तो सपने में भी पॉलिटिक्स ही नजर आती है, तो कोई और पार्टी तो इनको लेगी नहीं। तो कांग्रेस तो वैसे ही इस वक्त बेचारी भारत जोड़ो यात्रा में मसरूफ है, और यहाँ भी जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस का वो हाल तो है नहीं जैसा हाल किसी जमाने में हुआ करता था। तो वापस कांग्रेस में ये कह के कि हम छुट्टी पे चले गए थे विंटर वेकेशन मनाने 2 महीने के लिए, तो वापस आ गए। मैं समझता हूँ कि इतने दिग्गज नेता जब इतने इंपल्सिव हो जाते हैं, वो इनडिसाइसिव हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ या तो उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है या हेस्टी पॉलिटिक्स में वो बिलीव करते हैं। और उसका जो नतीजा है कि आजाद साहब का आज मैं बयान सुन रहा था कि ये तीनों नेता जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है किसी की रिजर्व हो गई है, किसी की रिजर्व कैटेगरी से खुल गई है, तो ये इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे आने वाले टाइम पे। तो ऐसे नेता जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिमार्केटेड हो रही है लिमिटेशन के फाइनल ड्राफ्ट पे, और वो अगर जंपिंग करते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, तो मैं समझता हूँ उनको नुकसान आने वाले इलेक्शंस में होगा। वैसे भी ये अब जीतने वाले कैंडिडेट्स नहीं है। जम्मू कश्मीर में एक नई पॉलिटिकल फिजा पिछले एक साल से बन रही है, और उसमें आजाद साहब का आना भी एक कड़ी थी कि वो स्टेट पॉलिटिक्स में आए हैं, तो एक नया पॉलिटिकल चैप्टर में वो कुछ कलर्स भरेंगे। और अभी भी कोई पता नहीं है यहाँ इलेक्शन का फीवर कब आता है, होती भी इलेक्शन 2023 में कि नहीं होती है, लेकिन यह है कि ये तोड़ मोड़ की राजनीति जो है इन नेताओं ने की, और फाइनली दे वेंट टू कांग्रेस।